गुड मॉर्निंग जी, सबको प्यारी प्यारी सुबह हो गई है और हमारा है आज तीसरा दिन। रात बहुत अच्छी निकली लेकिन ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो आज का प्लान करमवीर सिंह बताया जाए। अभी सुबह के 8:30 होने वाले हैं हम लोग रण उत्सव फिनिश करके। कल हमने पूरा दिन रण उत्सव एक्सप्लोर किया, आज वो फिनिश करके हम लोग यहीं पास में 1 घंटे के ड्राइव पे कालो डूंगर है। कालो डूंगर मीन्स ब्लैक माउंटेन। तो कालो डूंगर के बाद वहीं पे पास में एक ब्रिज है, वहाँ जाएंगे, इंडिया ब्रिज ऐसा कुछ नाम है। और उसके बाद वी विल हेड बैक टू भुज अगेन, और भुज में एक दो जगह है जो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी दूर दूर तक जो है वो खाली जगह है, पूरा सिर्फ रोड के पास में उन्होंने कुछ झाड़ वाड़ लगा रखे हैं। वो जो कल आपने देखा था ना करमवीर, जो गाड़ी भगा भगा के धुआं उड़ा उड़ा के धूल उड़ा दी थी, धूल धूल कर दी थी, वो यही कर रहे थे। तो ये है काला डूंगर और कुछ काला नहीं दिख रहा है मगर यहाँ। हाँ, कुछ काला दिख नहीं रहा है लेकिन थोड़ी देर पहले पीले पीले हैं, देख लो आप सूरज की लाइट पर। हाँ, पीले। लेकिन जहाँ से अपन ने शुरू किया था वहाँ एकदम डेजर्ट था, साइड में ऐसे सॉल्ट सॉल्ट जमा हुआ था, बट वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन है, एकदम बदल गई है ना जी। ओके, तो ये हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने एक और स्वेटर पहना है क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत वाहियात टाइप से ठंड है। ओके, तो हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता बड़ा सा डिफरेंस है। और ये जो शेडो दिख रही है ये मेरी शेडो है, मैं भूत जैसी दिख रही हूँ इसमें। करमवीर जी तो जाके उधर आसन टिका लिया है। चलो झाड़ियों के बीच में से और मेरी टोपी गिरते हुए। ओहो, ये बड़े बड़ा स्मार्ट सा लड़का बैठा है कोई। तो लड़के मुंह दिखाने जरा लड़के। ओए हाय, हेलो जी, ये देखो क्या मस्त मस्त पहाड़ियां हैं पीछे, मजे ले लो आप भी मेरे साथ। सामने से सूरज भी आ रहा है, पता है अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा गरम गरम भी लग रहा है लेकिन बहुत ठंड है यार। मेरे हाथ नीले होने जैसे हो गए हैं। हम मुझसे छुपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं जा जाके भाग भाग के जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कूंटे कोनों में। ये क्या है, हमने भेल लिया है, अभी भेल खाएंगे हम। हाँ बट मुझे ये वाला पसंद आया ना, तो इसको बताओ है 200। ठीक है, दे दो। कैमल दिखाऊं? लो दिखा दिया। देखो कितनी ठंड है। घर में आप क्या पी रहे हैं? क्या
और यहाँ से एक थैला लेंगे हम, थैला। अभी हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है। यहाँ आए थे हम लोग काला डूंगर में जो मंदिर में जो आरती वारती होती है वो देखने के लिए, लेकिन अभी हमने सोचा कि वो इंडिया ब्रिज है यहाँ, अभी टाइम है क्योंकि अभी 10:30 ही बजे हैं, तो वो आरती होती है 1 बजे, तो उससे पहले हम ये इंडिया ब्रिज जो है वो कवर करके आए, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। व्हाइट डेजर्ट अगेन, थोड़ा के पानी भी है और हम लोग जा रहे हैं इंडिया ब्रिज। बिल्कुल आपको जो सामने एंड में जो दिख रहा है दैट इज इंडिया ब्रिज। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ड्रोन व्रोन नहीं उड़ा सकते हैं बिकॉज बॉर्डर बिल्कुल पास ही है। बता रहे हैं कि आज नहीं आई है तो हमको नहीं दिखे हैं वो। इसको मैग्नेट हिल बोलते हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि क्यों बोलते हैं आखिर मैग्नेट हिल। अभी हम लोगों ने गाड़ी करमवीर ने न्यूट्रल पे डाल के चलाएंगे। आप चल रही है, इसमें कुछ फोर्स नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ चढ़ाई है, एक्चुअली में चढ़ाई है, तो वो गाड़ी अपने आप से चढ़ रही है। हाँ, स्पीड थोड़ी कम है। करमवीर कैसा लगा आपको? तो ये एरिया है काला डूंगर से जब नीचे उतरते हैं तो उतरते में फिर ऐसे आपको लगता है प्लेन लैंड आया और फिर ऐसे स्लोप अप है, लेकिन वो मतलब ऐसे थोड़ा इल्यूजन होता है कि स्लोप अप, लेकिन आप गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी करो तो गाड़ी आगे को सरकने लगती है, बट स्लोप अप, तो आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी अपने आप पहाड़ पे चढ़ रही है इंस्टेड ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स डाउन, पीछे नीचे जाने की बजाय गाड़ी आगे को चढ़ रही है, तो वो इल्यूजन होता है, इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन कि स्लोप अप है, बट एक्चुअली अगर गाड़ी आगे जा रही है तो आई एम अज्यूमिंग कि स्लोप डाउन ही होगा, सो आई डोंट नो बट इट लुक्स गुड। मातारो मठ जाने का प्लान था हमारा, लेकिन बीच में हमने एक बोर्ड देखा वहाँ लिखा, प्लान तो अभी भी है नहीं, मतलब हम अभी वहीं जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ था, कच्छ फॉसिल पार्क है यहाँ, वहाँ बोल नहीं रहे हो, कच्छ फॉसिल पार्क पढ़ रहे हो उस पे। कच्छ फॉसिल पार्क है यहाँ पे, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सीधे जा रहे हैं। नहीं, ये देखो ये बोर्ड था, मैं पढ़ रही थी, मुझे करमवीर को बताना था कि हमको ये कौन सा टर्न है, लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ से, और ये तो बंद है, और ये बंद है कि ऐसे ही बंद है, ये तो बंद है, ताला लगा है। ओ, तो ये तो फ्लॉप शो हो गया है हमारा, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, फिर उधर भी कुछ है, ये बंद है तो ये हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, वेरी सॉरी है, तो मैंने इसीलिए नहीं दिखाया जी क्योंकि इधर ताला लगा हुआ था। तो बहुत समय तक ऐसे अजीब अजीब सा रोड चल रहा था, टूटा फूटा, एक शहर या गांव से बोल सकते हैं, पता नहीं क्या है ये, दिखा है हमको, विंड मिल चल रही है, बहुत विंड मिल है।
किया हुआ है। कोई वाटर बॉडी भी नहीं है उसके उस तरह। लो जी नीचे किधर है? ये तो नहीं इधर माता जमा, क्या पता जी है? पूछ लेते हैं अपन किसी से, माता रो मठ किधर है भैया हमको बता दो। पूछ लो किसी से कि है कहाँ। दिखा नहीं सकते बाहर से दिखा कि ये है माता रो मठ। तो ये देखिए ये सब श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ। तो ये बाहर से है इसका दृश्य, अंदर से अलाउ नहीं है दिखाना। तो ये देखिए अभी 3 बजे हैं, तो 3 बजे बहुत भीड़ होना शुरू हो गया है यहाँ। एक लॉट अंदर चला गया है, काफ़ी लंबी लाइन थी, अभी धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा और सुंदर मंदिर है ये। उस साइड से जाएंगे अभी। लेगो सिटी है आपके पास? लेगो सिटी नहीं है। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं लखपत और करमवीर सेटअप कर रहे हैं गोप्रो। माता राम मठ जो था वो हमने कर लिया है कवर अच्छे से। कुछ नहीं किया है, बस ये खा रहे अभी देखो हम खा रहे हैं पेड़े, हमने वहां से पेड़े लिए। हम खासू फैमिली है, खाने पीने में कोई कसर नहीं रहेगी। उधर क्या है और इधर क्या है? यूपी लखपत। वेलकम टू लखपत फोर्ट। फोर्ट में डाल लेते हैं वेलकम टू लखपत फोर्ट कर रहे हैं तो ये लोग। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक साहेब दरबार। लखपत जो सिटी जो अभी भी जिले में रहती है जैसलमेर, जैसे सामने मंदिर भी दिख रहे हैं और जिस तरह से रंग का बना है ये दरगाह मुझे लग रहा था कि तो ये है जी आपके लिए लखपत फोर्ट। अंदर पूरा रोड बना हुआ है बहुत ही सुंदर, जिसमें हम चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं हमें भी ना मालूम हम कहाँ चले जा रहे हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गांव में जैसे कोई रहता ही नहीं है। हमने इधर को मोड़ लिया है, बस आशा ये है कि हमें ये वापस जाते में भी यही रोड मिल जाए। हेलो जी, ये आपकी टूरिस्ट प्लेस पहुँच गए जी लखपत। हेलो जी लखपत। ओके गाइस, तो दिस इज लखपत फोर्ट। ये लखपत फोर्ट है। क्यों चल रहा है ये? तो यहाँ फोर्ट में कुछ तो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का।
विंडी है, वाव। वो देखो जरा खूब छोटा सा वॉच हाउस कुछ ऐसा बना रखा है क्या? नहीं हाउस है, क्या है मंदिर है। ओके तो अभी हम लोग यहाँ लखपत फोर्ट जो है वहाँ से निकले हैं। ओके तो हम लोगों ने अभी लखपत फोर्ट एक्सप्लोर किया। मुझे लगता था शायद जैसलमेर एक अकेली सिटी है, अकेला शहर है जो किले के अंदर बसा हुआ है, लेकिन लखपत मैंने देखा कि वो एक और शहर है। लखपत छोटा सा ही है, मतलब गाँव ही है जो किले के अंदर बसा हुआ है पूरा। सो तो अभी हम यहाँ लखपत फोर्ट देख के हम मांडवी के लिए निकले हैं। तो 3 घंटा मांडवी, अभी 4:18 हुए हैं, तो 5-6-7:20 पे हम लोग मांडवी लग जाएंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन आधा रास्ता तो हमें पता है अच्छा है, आधा बीच में थोड़ा सा गड़बड़ है, आगे का रास्ता देखते हैं। तो 6:42 हो गए हैं और हम लोग मांडवी बीच पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो ये रास्ता है, तो ये घोड़े वोड़े गाड़ियां जो भी हैं ये वापस आ रहे हैं, कैमल वापस आ रहे हैं। मतलब वहां भीड़ नहीं होगी अभी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सब लोग वापस आ रहे हैं तो काम ख़त्म हो गया होगा इनका वहां का। This is it. ओके तो हम लोगों ने ये बाइक राइड किया है करमवीर रात को। हाँ कुछ नहीं दिख रहा है, पीछे बीच है, बिना लाइसेंस दूर करो। ओके तो ये हम लोग यहाँ मांडवी बीच आ गए थे और आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कोई बीच नहीं दिख रहा होगा यहाँ। लेकिन मान लो कि इस तरफ को बहुत बड़ा समुद्र का बीच है मांडवी का, और हमारे पीछे से जो है वो क्या ATV आ रही है। हम लोगों ने ATV चलाई, मोना के बालों में आ रही है ATV, भागो। ये देखो ये करमवीर को ठंड लग गई है, ये ताप रहे हैं जरा। पेंगुइन को ठंड लग गई है, पेंगुइन को भी ठंड लगती है, देखो जरा ताप रहे हैं। तो ये है मांडवी बीच में रात का दृश्य। सब शांत हो गए यहाँ, माहौल सब बंद बंद चल रहा है यहाँ, कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। लोग हैं नहीं ज़्यादा यहाँ, लोग नहीं है, अब ख़त्म हो गया ना। तो ये एक होटल मिला है हम लोगों को, रेस्टोरेंट। यस इनसाइड आई थिंक, आई डोंट नो, आस्क देम। तो यहाँ हम लोग डिनर करने का प्लान कर रहे हैं, विल सी क्या है इनके पास। तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ डिनर ऑर्डर कर दिया है। ओके तो अभी हम लोग बीच पे आए थे तो आपको दिखाया मैंने, कुछ नहीं अंधेरा अंधेरा हो गया था। तो मैं यहाँ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, आप रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। बाय बाय बोलो।